नमस्कार, प्रणाम पैलक। मेरा नाम तानिया है और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि से। तो यहाँ पे मैं आज जा रही हूँ अभी अपने गांव को। तो मेरे पापा आए थे मुझे लेने के लिए, तो पापा उधर गाड़ी लगा रहे हैं। और आज सुबह ना इतनी तेज की बारिश हुई थी और अभी मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, इतना मस्त हो रहा है। तो अभी हूँ मैं अभी ऊपर वाली पाली में, तो अभी हमें नीचे जाना है पैदल। फिलहाल अभी मैं कर रही हूँ अपने पापा का वेट। पूरा एक महीना हो गया है मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर रखी है, तो मेरी जो है मम्मी की तबीयत अभी ख़राब हो रही है। मेरी मम्मी अभी दिल्ली में है तो इसलिए मेरा आना जाना लगा है। एक महीने से एक एक हफ्ता मैं आई रही हूँ घर रोज़। तो अभी जब तक मेरी मम्मी नहीं आती तो तब तक मुझे रोज़ घर आना है, क्योंकि हमारी है घर पे भैंस। अभी जा रहे हैं हम पाली से नीचे को। आप ये जो गेट देख रहे हो ये पाली का गेट है। और बारिश के बाद हमारे जो पहाड़ों का मौसम है ना इतना मस्त हो गया है, तो ये देखिए। तो आज हम आपको पाली के गाँव का जो है टूर कराएंगे। तो पहले आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो मंदिर है माता रानी का। और यहाँ पे हमारे पापा आए थे हमें लेने के लिए वहाँ दौरहट सुबह ना। दिन में कितने बजे आए आप? मैं यहाँ से चला 2 बजे। अच्छा, बारिश होगी बारिश। और यहाँ पे आज सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, इधर साइड तो कम हुई थी। और ये है जो आप देख रहे पाली का गाँव है ऊपर। तो यहाँ पे अभी पापा ये क्या बना है इधर? लघु संग्रह केंद्र। मतलब तो ये रहा गेट। और आप जो ऊपर देख रहे हो वो रोड है। और ये नीचे गेट है। अभी आपको दिखाते हैं हम अच्छे से यहाँ मंदिर में। पानी का टैंक बन गया है तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा कर रखा है। ये हमारे चाचा का नाम है श्री गणेश पालीवाल, जो कि यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा कर रखा है। और यहाँ पे आप देखो पहले कितना साफ कर रखा है। यहाँ पे देखो ये पाकशाला है, इधर इसकी रसोई घर दिखाते हैं। रसोई घर यहाँ पे जब कोई भंडारा वगैरह होता है ना तो यही होता है, पाकशाला। चलो आप आगे दिखाओ पहले आप ये भंडार कक्ष। अभी आपको अपने चाचा से भी मिलाते हैं हम यहाँ, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य है। भोग भंडारा जो बनता है, भोग इधर बनता है। चाचा प्रणाम। वो हमसे जो भेजी नहीं हम अंदर उसको क्लिक कर दो। तुम ये देखो पहले यहाँ आए तो बोला अभी जरा सा भेजा कर जरा। तो ये हमारे गांव का भगवती माँ का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आगे जो है मैया, साक्षात मैया की मूर्ति है। और इधर है हनुमान जी। और मेरे गांव का नाम है पाली, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और भिक्यासैन ब्लॉक में आता है। यहाँ मंदिर में आके अलग ही सुकून मिला था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा कर रखा था ना, बहुत साफ़ सफाई रखी थी। और यहाँ पे ना पहले एक ही मंदिर था यही, बट अब इतने ज़्यादा मंदिर बन गए, इतना अच्छा सब भगवान जी के मंदिर बन गए हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे 8 तारीख को जत्रा भी है। और आप ये जो मंदिर देख रहे हो ना, ये सारे नए बने हैं। और उधर जो एक गेट है ना, ये भी नया बना है। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना, तो चलो आपको दिखाते हैं यहाँ। ओ चाचा पहला मैं अल्लाह आले रमू। और तुम ठीक छा? तुम यहाँ सफाई कर रहे छा? तो ये देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा है, यहाँ पे इतना साफ कर रखा है, इतना साफ सुथरा कर रखा है कि पूछो मत। और यहाँ से आप पहले यहाँ का व्यू देखो कितना, हमारे जो पहाड़ है ना, पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है। अब यहाँ पे चाचा द्वारा किया गया है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है यहाँ पे। ये सभागार, ये वहाँ चेयर है, वहाँ जो यहाँ सामान रखा है कि चाचा? चेयर वो है। तो यहाँ का हमने पूरी वीडियो वगैरह तो ले ली है और बहुत अच्छा कर रखा है यहाँ पे। अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं। तो ये था हमारा जो है भगवती माता का मंदिर, और जो कि बहुत ही सुंदर बना रखा बहुत। तो अब मैं और पापा जा रहे हैं नीचे बुआ के घर पे। तो उन्होंने इतना अच्छा घर बना रखा है ना, जो हमारे पुराने जमाने के घर होते हैं वो वैसा ही है, बस उसको नए घर में बना रखा है। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे। पहाड़ी गेट, अब हटाओ इसको,
ये इसको ऐसे हटाया जाता है, बाढ़ बोलते हैं जिसे, जिसे पहाड़ी में बोलते हैं बाढ़। आप यहाँ पे लगा रखे हैं पिनालू, पिनालू का नहीं अरबी, अरबी है। और इनके जो पत्तों की अच्छे से पकौड़ी भी खाते हैं, बहुत टेस्टी पकौड़ी होते हैं उसके। और आपको दिखाते हैं यहाँ इतना अच्छा कर रखा है मेरे पापा ने, फूलों का पूरा बगीचा है। तो आज हम दिखाएंगे आपको पहाड़ी हवेली। तो पहले आप यहाँ देखो, यहाँ चारों ओर जो है फूल लगा रखे इतने अच्छे अच्छे तो ये है पहाड़ी हवेली। तो गांव में बैठने, ऐसे बैठने का मजा ही कुछ अलग है। आपको दिखाते हैं यहाँ की हवेली। यहाँ देखो कितने छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ, ये एक हाथ के बराबर के छोटे छोटे हैं। ये किचन है और इधर भी है, इतने छोटे छोटे कमरे। तो ऊपर पापा, ऊपर की क्या चीज है? लकड़ी है, लकड़ी है, तख्ते। ये जो पुराने वाले घर है ना, ये सारे पुराने घर हैं। ये देखो इतने छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे। और ये पुराने घर को जो है नए घर में बना रखा है इन्होंने इतने अच्छे तरीके से। तो आपको दिखाते हैं यहाँ के जो रूम है थोड़ा सा। ये है, ये देखो पहले आप यहाँ का दरवाजा देखो कितना छोटा है, इतने छोटे। ये पहले जमाने के है, पुराने जमाने के है सारे। ये है मंदिर, पहले से यहाँ दरबार लगता था, बैठक। ये बैठक है, बैठक रूम। ये देखो ऊपर देखो आप, ये लकड़ी का जो है, ये लकड़ी का वो का कतु वर्षा की तुम गई है, कतु वर्षा की तुम गई है। 94 पूरे जाने आया ला। अरे वाह, 94 पैदल अक्टूबर में है जानी। तो वो तुम्हारा जन्मदिन मनाने पर हम ये काटो दिन हाथ मिलाए जी के भाई बिल्कुल। और ये है मक्के, ये लौकी, ये ककड़ी ना नाम धरो। देखो सब रख रही है। आम तो ये बुआ को आम बहुत ज्यादा पसंद है, ज्यादा इनको आम बहुत पसंद है, तो सारे आम इनके लिए लाए हैं। ये देखो कैलाश बाबू, ये आम देखो उठाओ। सितंबर के महीने में भी देखो इतने आम पके हैं यहाँ पे। ये देखो इतने ज्यादा आम हो रहे हैं। बुआ ने इतने सारे आम, ये स्पेशल बुआ गई थी आम तोड़ने के लिए पेड़ में और ये बुआ लेके आई है। और ये तोरी वगैरह सब घर के हैं सारा। तो यहाँ देखो इतना सुंदर मंदिर है इनका। हाँ हाँ, तो आज मैं बुआ लोगों की जो है वीडियो बना रही हूँ, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और बहुत ये जो बुआ के पापा जी उनकी जो है लड़की, ये कितनी साल पुरानी है बुआ? कितने साल पुरानी है? पिताजी थे, अच्छा, गांव के स्कूल के प्रबंधक थे, के प्रबंधक थे, जेल विजिटर थे, अच्छा। अर्थनिवेश थे और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे 50 गांव के। हाँ। मेरे पिताजी बहुत विद्वान आदमी थे। हाँ। मेरे भाई आरडी पालीवाल जज से रिटायर हुए है, न्यायाधीश से। अभी भी भारत सरकार उनको बहुत मौका देती है, बहुत ईमानदार आदमी है। तो हम उसी परिवार के लोग हैं। हमारे परिवार में सब आईएएस पीसीएस, हमारी फैमिली शिवदत्त पालीवाल, स्वर्गीय शिवदत्त पालीवाल, उनकी तो फैमिली है, सब हमारे पढ़े लिखा परिवार है हमारा। तो हमारे गांव जो है बहुत अच्छा गांव है हमारा, और इस गांव में कभी कोई विद्रोह नहीं, और सब एकता है, एकता का परिचय है हमारी। यहाँ की जो मैया है और वो उनका दरबार लगता है, तो दरबार सब सारे भक्त लोग आते हैं। ये पंद्रह गांव की देवी है, बेल, नेकड़ा,
थापुला झड़कोट और क्या कहते हैं पाली दौला रिखाणी सबरूरी सब 15 गांव की होती भी है। इस पाली गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। उस गांव का यह परिचय है हमारा। अब मैथ का जन्म भूलिया, अब जन्मभूमि का जन्म भूलिया, अपने माता पिता को मत भूलना। जो माता पिता की जन्मभूमि है पहली बार निहाय दो चलो सुघर चली थे किसु ऐसी भावना जन धरिया। आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज में ऐसे वो नहीं होते हैं, ऐसे विचारधाराएं नहीं होती। हम मंसूरी जाते हैं, हम हिमाचल जाते हैं, अमेरिका में मैं देख के आई हूँ ऐसे ऐसे रिजॉर्ट बने हैं वहाँ, ऐसे रिजॉर्ट बने हैं जिनके 50,000 रुपए रात का किराया है। तो हमारे तो माता पिता की, हमारे अमा भूबू सबू, हमारे पितरों की, हमारे इष्टों की बहुत बड़ी कृपा है कि जिन्होंने हमारे को ये प्रेरणा दी। हमारे आ रहे हैं। आप कहाँ रहते थे पहले? मैं पहले मेरा गांव है यहाँ खरग। नहीं पहले तो आप बाहर ही रहते होंगे ना? बाहर दिल्ली रहती थी मैं। तो दिल्ली ज्यादा अच्छा है कि गांव? गांव अच्छा है। दिल्ली तो ठीक ही, वहाँ रोटी रोजी के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई यहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे लिखाते थे, स्लिप लाइन हो गई। तो गांव में आज जो है, मैं तो सभी अपने भाई बहनों से कहूंगी, जो गांव हमारा गांव में जो आनंद है वो कहीं नहीं है, जो प्यार गांव में है वो कहीं नहीं है। जो पलायन हो गए हैं उनको भी मैं प्रेरणा देती हूँ कि वो अपने गांव को वापिस आए। और हमारे यहाँ के जो देवी देवता हैं उनकी इतनी असीम कृपा है कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। अभी मैं ऊपर पाली से आ गई हूँ, अब मैं नीचे को जा रही हूँ अपने घर को। तो अभी पापा वहीं पर ही हैं, बुआ लोगों के साथ बैठे हैं, पापा शाम को आएंगे। तो अभी नीचे अपना गांव दिखाऊंगी मैं आपको। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना, मतलब हो गया 1 महीना करीबन। तो मिलता है अभी आपको नीचे जाके अपने गाँव में जाके। तो यहाँ देखो कितना मस्त हो रहा है मौसम। और ये अभी जो आप देख रहे हो नीचे, ये लगे हैं गहत, तो ये गहत बो रखे हैं। और अभी हमें नीचे जाना है, मेरे को थोड़ा पैदल जाना है, वो नीचे वहाँ है हमारा गाँव। तो अभी चलते हैं थोड़ा। और यहाँ पे अब असो जाने वाला है, तो इसलिए घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, पूरे इतनी बड़ी हो रही है, देखो कितनी बड़ी हो रही है, पूरे पैरों के ऊपर तक घास आ रही है। तो अभी कुछ ही टाइम है, बस 10-15 दिन बाद लग जाएगा असोज, फिर हम पहाड़ियों का मरमर वाल काम आ जाए स्टार्ट। तो अभी मैं आपको यहाँ से अपना गाँव दिखाती हूँ जो कि इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी पैदल चलना है, देखो अभी इतना पैदल चलना है। और अभी आपको दिखाते, देखो वो है वहाँ जाना है मुझे, आपको दिखाते हूँ यहाँ। ये देखो यहाँ से रोहित लोगों का घर दिख रहा है और हमारे गांव का वो गेट दिख रहा है, और उधर वो हमारे जो है मंदिर दिख रहा है। अभी इतना जाना है मुझे। और यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, और ये घास देखो कितनी बड़ी हो रही है। अब असोज आएगा तो हमें यही घास काटनी पड़ेगी असोज में। तो जो चलो चलते हैं, अभी मैं आपको ना घर जाके मिलती हूँ सीधे। गाइस ये हमारा गांव है, और ये हमारे गांव की ना टैंकी है, यहाँ से जो है पानी जाता है, पीने वाला पानी नहीं है, यहाँ से कपड़े धोने वाला जो है, नहाने धोने वाला पानी वो है, पीने वाला टैंकी उधर है। तो ये हमारा गांव है। अभी जो गांव में सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है फिलहाल, तो मेरे को तो गाँव ही अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं, अभी आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ताई जी रात सागर जुगाड़ करमी हूँ, यू चाहमी करियल यो ताई पहला ताई जी पहला खोए यो आ जाता भड़ू खाला भड़ू ठीक छुप है। तो ये है हमारे गांव का चौराहा, जह कनी डांगो टुन। तो ये छो टुंडाओ, यहाँ पे हम बचपन में आते थे खेल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बहुत खेला है, ये मंदिर है, यहाँ पे भी हमने बहुत खेला है। तो हम दिखाते हैं अभी आपको अपने गांव की कच्ची सड़क। तो यह है हमारे गांव की कच्ची सड़क, और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त व्यू दिख रहा है। तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती हैं, और ये सड़क कम और खेत ज़्यादा दिख रही है, बट इग्नोर करो ये सड़क है। तो अभी आपको दिखाते हैं हम, अभी भाभी श्री दिखाते हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यह है दद और यूची बोझ पेलक द पेलक हो वही ये। तो यहाँ पे लगी है मिर्ची लगी है, और यहाँ पे भैया और भाभी श्री लगी हैं और खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, मूली बोएंगे हैं और
हरी सब्जी लाई कि हमारी टोली हेलो करो प्राची हेलो कर दे ओए तो चले आपको दिखाते देखो यहाँ पे कितने मक्के लगे हैं इतनी सब्जी हो रखी है ना गांव में ये देखो यहाँ पे इतने सारे मक्के लगे हैं घोग और ये लौकी की बेल अभी आपको दिखाते हैं हम अपना घर देखो यहीं से ही बेल लगे हैं हाँ हाँ तो यहाँ से ऐसे बेल लगे हैं पूरी लौकी की बेल है और इतनी ज़्यादा लौकी हो रखी है ना तो गाइस ये हमारा खरीक है यहाँ पे हम भैंस बांधते हैं तो आपको मिलाते हैं क्यूट सी योगिता से तो गाइस ये है मेरा घर जो कि घर पे आज कोई भी नहीं है तो मेरी मम्मी भी नहीं है मम्मी दिल्ली है जो कि घर इतना सुनसान लग रहा है हमारा तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ही घर है और ये हमारा जो है पुराना घर है और यहाँ पे देखो कितने मस्त अर्पण दे रखे हैं ये मेरे पापा ने दे रखे हैं ये हमारा पुराना घर है और ये हमारा घर है और इधर मेरे ताऊ लोगों का घर है जो पंजाब में रहते हैं और यहाँ पे है हमारे भैया लोगों का घर और यहाँ लगी है इतनी सारी बेल तो अब मैं मिलती हूँ आपको कपड़े वगैरह चेंज करके खाना खा के फिर मेरे को जाना है घास को तो यहाँ पे इतने बच्चे आ गए मेरे से मिलने के लिए अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया मैं सीधे जा रही हूँ घास काटने के लिए तो योगिता आ रही है मेरे साथ तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है और यहाँ पे नेट वगैरह तो चलता नहीं है ये वीडियो पता नहीं मैं कब पोस्ट करूँगी तो चलो तो ये हमारे गांव का गेट है और ये हमारे गांव की जो है कच्ची सड़क है यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं और इधर हमारा ना गांव है और अभी हम पास में ही जा रहे हैं घास काटने के लिए उधर तो मैंने अपने पापा के चप्पल पहने अभी इस बार मैं हमने चप्पल लाई नहीं मैं जूते तो मैंने अपने पापा के चप्पल पहने हैं तो योगिता इधर को देखो तो योगिता आ रही है ये मेरे भाई की लड़की है बगल पे तो हम जा रहे हैं अभी घास काटने के लिए और मौसम देखो और लेट भी हमें काफ़ी हो गई है क्योंकि अंधेरा होने वाला है अभी टाइम तो अभी टाइम हो गया 6:30 और अभी हम यहीं पर ही जा रहे हैं घास काटने के लिए और घर पे मैं और मेरे पापा ही हैं बस दो जने हैं भाई मेरा कॉलेज गया है और मम्मी अब तो दीपावली के बाद ही आएगी जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी आएंगी तो गाइस अभी आ गए हम खेत में और फटाफट अब काटते हैं घास क्योंकि हमें हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि तो चल स्टार्ट हो जाए हाँ चलते तो अभी काफ़ी लेट हो गई है हमें आप फटाफट घास काटते हैं फिर अभी आपको मिलते हैं थोड़ा घर जाके तो गाइस ये घास इतनी बड़ी हो रखी है और हम पे लग गए हैं चटकुमर चटकुमर पहचानते हो जो पहाड़ी लोग हैं तो पहचानते होंगे कि चटकुमर किसे कहते हैं ये तो गाइस अभी हमें काफ़ी लेट हो गया और अंधेरा भी हो गया है तो अभी हमने दो तीन चार पूरी बना रखे हैं बस अब फटाफट इनको बांटती हूँ पूछ का व्यू इतना बढ़िया आ रहा है ना दोस्तों अब मैं बना रही हूँ रात का खाना तो अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।